प्यारे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड दोस्तों एक ऐसी खबर निकल कर सामने आ रही है जिसने पूरी तरीके से भक्तों के अंदर तहलका मचा दिया है पूरी तरीके से खलबली मचा दिया है दोस्तों एक इंसान जो कुरान और इस्लाम का खुला गद्दारी कर रहा था खुला इस्लाम और कुरान से खुला बगावत कर रहा था उस इंसान के ऊपर अल्लाह का आजाब आ गया है दोस्तों वो इंसान जो कुरान लिखने का दावा कर रहा था उसके ऊपर ऐसे आरोप लगे दोस्तों ऐसे आरोप लगे कि दुनिया जमाना थूक रही है वो इंसान पूरी दुनिया के अंदर जलीलो खार होकर रह गया है जी हाँ दोस्तों एक सनसनी खेज वीडियो वायरल हो रहा है एक महिला के गंभीर आरोप लगाए गए हैं एक महिला के द्वारा उसके पति ने भी थाने पहुंचकर लगाया है गंभीर आरोप क्या है मामला दोस्तों जिसको बोलते हुए मेरी जवान लड़थड़ा रहे हैं मैंने थंबनेल में दे दिया है दोस्तों और छोटे बड़े का लिहाज रखते हुए उस शब्द का मैं नहीं इस्तेमाल करूंगा लेकिन आप समझ जाएं दोस्तों मैं बात कर रहा हूं वसीम रिजवी का वही वसीम रिजवी जो इस्लाम के खिलाफ लगातार बगावती तेवर अपनाए हुए था जो इस्लाम के खिलाफ मनगढ़ंत बातों को लेकर आ रहा था वो वसीम रिजवी जिसने तमाम तर हदों को पार करते हुए पिछले दिनों दिस दोस्तों क़ुरान मुकद्दस से हेर फेर किया मुकद्दस से 26 आयतों को निकाल कर बाहर कर दिया साथ ही साथ अपने द्वारा से फिर से तरतीब दियान मुकद्दस को और कुरान मुकद्दस के शान में बेहुरमती किया मुकद्दस के खिलाफ जंग का एक तरीके का ऐलान किया दोस्तों जब जब इस तरीके का वाक्य हुआ है जब कुरान मुकद्दस के शान में गुस्ताखी हुई है बेहरमती हुई है अल्लाह तबारक वाल उस शख्स को दुनिया के अंदर जलीलों खार करके रख दिया है और दोस्तों इसी तरीके का कुछ वाक सामने नजर आ रहा है जी हाँ दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ सिया वक बोर्ड के अध्यक्ष वसीम रिजवी की कुरने मुकदस से छेड़छाड़ करने वाले शख्स कोई और नहीं वसीम रिजवी थे अब उसी वसीम रिजवी के ऊपर दोस्तों एक ऐसा गंभीर आरोप लगा है जिसके बाद सारी दुनिया उनके ऊपर थूक रही है जी हाँ दोस्तों इस महिला को आप देखें लाल कलर से अपने चेहरे को ढापे हुए ये महिला साथ ही साथ एक इंसान काला शर्ट पर जिसके हाथ में एक बच्चा है इन लोगों ने लखनऊ के सादतगंज जी हाँ दोस्तों लखनऊ के सादतगंज थाने जाकर जो मीडिया के सामने आरोप लगाए दोस्तों जो बातें इन्होंने कही उसने सब के होश उड़ा दिए हैं सब को हैरान कर दिया है कि आखिर एक इंसान इस कदर कैसे गिर सकता है और अपने हवस के लिए यहाँ तक कैसे जा सका सकता है प्यारे दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि ये प्राथमिक जानकारी निकल कर आया है अभी आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन अभी करके जवाब नहीं दाखिल किया है लेकिन जो महिला का आरोप है दोस्तों उसने सबको हैरान कर दिया है सीधे तौर पर महिला का यह आरोप है कि यह इंसान उसके साथ लगभग पांच महीनों से नाजायज हरकत कर रहा था और उसके साथ नाजायज ताल्लुका बना रहा था दोस्तों इस महिला का कहना है कि पिछले पांच महीनों से इस तरीके से शोषण कर रहा था वसीम रिजवी लेकिन जब उसकी बर्दाश्त का हद होता है वो हद जब पार हो गया तो उसने अपने पति को बताया सारी बात खुलकर अपने पति के सामने रख दिया तो उसके पति ने जब वसीम रिजवी से इस बात को पूछने के लिए वसीम रिजवी के पास गया तो वसीम रिजवी जैसा कि उसके पति ने अपने जवान से बताया है मीडिया के सामने दोस्तों और अपने वकील के सामने उसका कहना है कि जब मैं इन बातों को जब मेरी पत्नी ने यह बताया कि मेरी पत्नी के साथ वो गलत काम पिछले छः महीने से कर रहा था तो इस बात को जब मैं पूछने उसके घर मैं गया तो उसने अपने घर में कपड़े में दरवाज़ा बंद करके मुझे निर्वस्त्र करके कपड़े उतार कर बहुत पीटा साथ ही साथ दोस्तों आप आपको ये बता दें कि ये लोग कौन हैं तो आपको बता दें दोस्तों कि जिसकी बीवी ने इसके ऊपर वसीम रिजवी के ऊपर ये आरोप लगाए हैं और ये थाने लखनऊ के सदतगंज थाने जब पहुँचे हैं ये कोई और नहीं बल्कि वसीम रिजवी का ड्राइवर है और जिनके साथ वसीम रिजवी ने गलत नाजायज़ ताल्लुक स्थापित किए वो उसी ड्राइवर की पत्नी है उसका कहना है ड्राइवर का कहना है दोस्तों कि वसीम रिजवी पिछले पाँच छः महीने से उलूल झुलूल कामों से उसको उस यानी महिला के पति को लखनऊ से बाहर भेज दिया करता था और उसके बाद जब उसका पति घर पर नहीं होता तो उसकी पत्नी के साथ वसीम रिजवी मुंह काले करता इस तरीके का आरोप गंभीर आरोप वसीम रिजवी के ड्राइवर की बीवी ने लगाया है और दोस्तों ये आरोप तब सामने आया जो इसको वह आरोप इसलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों चूँकि अभी पुलिस का इन्वेस्टिगेशन बाकी है और ज, जो पूरी तरीके का जो सही क्या है गलत क्या है ये अभी सामने नहीं आया है लेकिन जो महिला और महिला के साथ उसके पति ने जो कहा है थाने पहुँच साथ ही साथ तमाम तरफ वकील और दूसरे मीडिया कर्मियों के सामने उसके बाद ये कह रहे हैं ये जानकारी सामने आई है कि वसीम रिजवी ने अपने ही ड्राइवर के पत्नी के साथ घिनौना हरकत किया है और उसके बाद अब ये सादतगंज थाने पहुंचे थे वहां प्रेस वार्ता कर रहे थे अब थाने में रिपोर्ट लिखा गया है या नहीं इसके बारे में जानकारी नहीं आया है लेकिन दोस्तों जैसे ही एक खबर निकला कि वसीम रिजवी पर इस तरह के आरोप लगे हैं गलत काम करने के आरोप लगे हैं दुनिया भर से उसके ऊपर लानत भेजी जा रही है और इसके ऊपर थूका जा रहा है लोगों का ये कहना है दोस्तों कि अल्लाह तबारक वाल ने वसीम रिजवी को जलीलो खार कर दिया है और इसकी बर्बादी शुरू हो गई है अब दोस्तों ये जो कुछ है अब इसके तरफ़ अल्लाह तबारक वाल का आज़ाब इसके ऊपर नाजिल हुआ है इस इंसान के ऊपर या इसके करने का फल है ये तो हम नहीं जानते हैं दोस्तों लेकिन जो बात सामने आई है उसको मैंने आपके सामने रखा दिया है विद प्रूफ रखा रख दिया है दोस्तों तस्वीरों के साथ रख दिया है कि कौन क्या है और किसके साथ ये आरोप लगे हैं बहुत सारे चैनलों में इसका वीडियो आपको मिल जाएगा वायरल वीडियो मिल जाएगा लेकिन जो गोदी मीडिया है जो भक्त मीडिया है वो इस चूँकि इनका वसीम रिजवी इनका बाप है तो वो इस खबर को नहीं चला रहे हैं लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो इस खबर को चला भी रहे हैं दिखा भी रहे हैं दोस्तों हम इसलिए वसीम रिजवी के खिलाफ इस वीडियो को नहीं बना रहे हैं कि वसीम रिजवी ने कुरान मुकदस के शान में गुस्ताखी किया है और इस्लाम के खिलाफ वसीम रिजवी रहता है वसीम रिजवी ने जो काम किया है इन उसका फल ज़रूर मिलेगा अल्लाह तबारक वाली उसको उसकी सज़ा ज़रूर देगा लेकिन इसने जो काम किया है जो आरोप अभी लगे हैं वो मानवता के खिलाफ है और किसी भी सभ्य समाज में दुष्कर्म को सही ठहराया नहीं जा सकता है और जो दुष्कर्मी होते हैं दोस्तों उसको गंभीर से गंभीर और सख्त से सख्त सज, सज़ा मिलनी चाहिए और चाहे दुष्कर्मी कोई भी हो वसीम रिजवी हो या थर्ड पर्सन कोई भी हो मैं हूँ आप हो कोई भी हो जो भी दुष्कर्मी हो उसके साथ सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करे उसके खिलाफ़ इसी चीज़ का हम मांग करते हैं बगैर जाति धर्म के देखे हुए हर दुष्कर्मी की एक ही सजा है तीन सौ दो